हाई एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच इट हैज सेड दैट एबल बॉडीड मैन इज बाउंड टू अर्न मनी थ्रू लेजिटिमेट मीन्स टू गिव मेनटेनेंस टू वेमेन टू हिज वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन यानि कि एक इंसान अगर एक मैन अगर एक आदमी फिजिकली फिट है उसे किसी भी टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है देन ही इज बाउंड टू डू फिजिकल लेबर इन फैक्ट ही इज बाउंड टू अर्न मनी थ्रू लेजिटिमेट मीन्स टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस एंड लेट्स अंडरस्टैंड एज टू अंडर विच प्रोविजन द वीमन कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हजबेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो इस केस का नाम है अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग तो चलिए इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या होता है इस केस में देर वॉज अ वाइफ जो कि अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती हैं फॉर herself एंड हर माइनर चिल्ड्रन तो ये केस जाता है फैमिली कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में ये डिस्कस होता है कि वाइफ विल नॉट गेट द मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट डिसमिसज द प्ली ऑफ द वाइफ टू गेट मेंटेनेंस सो दिस केस देन गोज टू सुप्रीम कोर्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझने से पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी क्या बोलता है क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा जजमेंट दिया है वो इट रिवॉल्व अराउंडी फाइव ऑफ सी आर पी सी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन सेन ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी है क्या तो सेक्शन वन ट्वेंटी अबाउट द मेंटेनेंस क्या बोलता है मेंटेनेंस क्या होगा ये सेक्शन बताता है मेंटेनेंस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवेन टू अ डिपेंडेंट पर्सन Dependent person hoga? Dependent person will be a wife, minor children, and the aged parents. This will fall under the category of dependent person. So it is given is amount of money, maintenance is amount of money which is given to a dependent person who are not able to support themselves. So it is given to them to support themselves financially. So it is a kind of aid which is given to a dependent person. चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे क्या जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आई कोट द स्टेटमेंट हियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला द हजबेंड इज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इवन बाई अ फिजिकल लेबर टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन ही कैन नॉट अवॉइड दिस ऑब्लीगेशन एक्सेप्ट अंडर द लीगली परमिसेबल ग्राउंड विच आर गिविन अंडर सेक्शन वन ट्वेंटीसी यानी कि एक्सेप्ट लीगली परमिसेबल ग्राउंड इज रिक्वायर्ड एंड ही इज बाउंड टू अर्न मनी इवन फिजिकल लेबर टू गिव मेंटेनेंस फिर कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव ये था इट इज इट वाज टू अमीलियोरेट द कंडीशन द सफरिंग ऑफ अ वन थर्ड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फैमिली कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट ने जो इस इशू पर जजमेंट दिया है दे हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन देशन टी फाइव ऑफ सी आर पी सी टू फर्दर पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इन द केस ऑफ चतुर्भुज वर्सेज सीताबाई इस केस में लेट डाउन किए गए थे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी उनको रिएटरेट करते हुए कोर्ट ने यह बोला कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उस इंसान को उस मैन को पनिश किया जाए हु इज रिफ्यूजिंग टू फुलफिल हिज ड्यूटी यानी कि उस इंसान को पनिश करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है इस प्रोविजन का बट इस प्रोविज़न का इस सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी का ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रिवेंट द डेस्टिट्यूशन ऑफ वुमेन

फॉल करता है विद इन आर्टिकल फिफ्टीन सब क्लॉज थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये एक्सप्लेन करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बोला जाता है कि क्योंकि सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी का ऑब्जेक्टिव है वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना और सेक्शन फिफ्टीन सब क्लॉज थ्री में भी ये दे रखा है कि स्टेट अगर चाहे तो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं तो यही ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का सो दैट्स वाई सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी फॉल्स विद इन द आर्टिकल 15 सब क्लास थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो विद दिस आई हैव कम टू विदर्ड एंड ऑफ दिस वीडियो वी हैव सम लीगल प्रोविजन इन दिस वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड दैम एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री to ask me